हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल धमाकेदार क्लास है और आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ा था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हमने जाना था। और तो अब हम चलते हैं इसके बाद में। तो आपको पूरा ध्यान इसमें यहाँ पे रखना है, कहाँ पे? बोर्ड की तरफ। और आपको एक नोटबुक पेन लेकर बैठना है और उसको साथ के साथ में रिटर्न करना है, लिखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि साथ के साथ नोट्स बनाना है। अब यहाँ पे देखना है आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये क्या होता है भाई? आपके सामने आ रहा होगा कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस भी पढ़ लिया है और फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़ लिया है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये टेंस कहाँ से आया, कि परफेक्ट भी पढ़ लिया और कंटिन्यूस भी पढ़ लिया। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये दो टेंसों का मिश्रण है। कौन से टेंसों का? दो टेंसों का। अब यहाँ पे देखो, हमने पहले पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस, क्या पढ़ा था? फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर इसके बाद में पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद में हम पढ़ रहे आज की जो क्लास होगी वो होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। किसके लिए? आज की क्लास, हम आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब इसको आपको देखना होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि ये कैसा होगा और इसमें कौन कौन से रूल्स लगेंगे, कौन कौन सी जो बातें हैं हम इसमें जानेंगे। तो तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि कोई कार्य भविष्य में चल रहा होगा, कोई कार्य भविष्य में चल रहा होगा, कोई कार्य भविष्य में चल रहा होगा और उसका टाइम भी दिया हुआ होगा, मतलब टाइम भी होगा। तो अब इसमें देखिए कि जो आपकी इसकी पहचान होगी बेसिक से, बिल्कुल जो आपका ये क्लास होने वाली है बिल्कुल इजी मेथड से होगी भाई। इजी मेथड से हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे। तो एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ये होगी आपकी पहचान। अब पहचान हमें देखनी होगी क्या होगी क्या नहीं होगी। तो हमने पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो आज का टॉपिक ये है, तो हमने पहले जाना था फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, और इससे पहले जाना था फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में, और इससे भी पहले जाना था हमने फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में। तो ये आज का जो आपका फ्यूचर टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आपके टेंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका टेंस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जो आपके एग्जाम से संबंधित होने वाली है, और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पूरे टेंस याद होना जरूरी है। पूरे का पूरा जो मैटर है टेंस का वो आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और तभी आप उसको हल कर सकते हो। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये होगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये है भैया इसकी पहचान। अब ये तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, सर ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है। सही बात है भाई, किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसकी पहचान क्या होगी? अरे भाई, ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो किसकी पहचान है? फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। तो आपके साथ में देखो, इसके साथ में जरूर जुड़ा होगा टाइम प्लस से, तो ये चीज़ें आपके आएगी, मतलब रहा होगा, रही होगी, पहचान तो आएगी आएगी, और उसके साथ में क्या आएगा? टाइम, और उसके साथ में से अवश्य जुड़ा होगा, जैसे 2 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे से, 3 महीने से, 2 महीने से, 8 साल से, सुबह से,
तो ये क्या हो जाएगा, टाइम के साथ में क्या आया, से। तो यही इसकी पहचान है भाई कि कोई कार्य भी जारी होगा और समय भी दिया हुआ होगा। तो इस से के लिए हम यूज करते हैं किसके, मतलब इस से के लिए हम यूज करते हैं सिंस फॉर। क्या यूज करते हैं, सिंस फॉर। आपको पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। तो यहाँ पे देखो, इस से के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस फॉर का। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस फॉर का। और सिंस फॉर का प्रयोग किस किस परिस्थितियों में होता है ये हमने पिछले टेंसों में जाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो कि इसकी पहचान क्या होने वाली है। पहचान तो हमने बताई दी आपको कि क्या हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और टाइम के साथ में से आएगा, मतलब टाइम जरूर दिया हुआ होगा। तो अब इसमें देखते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, सहायक क्रिया, ये लो भैया सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया में देखो, ध्यान देना है आपको कि सहायक क्रिया क्या होने वाली है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, सभी टेंसों में जिस प्रकार से परफेक्ट टेंस पढ़ा जाता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब हम अगले वाले टेंस में लगाते हैं। कौन से टेंस में, अगले वाले में। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में हमने लगाया था विल हैव और शैल हैव, उसको तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, साथ में कंटिन्यूस भी पढ़ रहे हैं, परफेक्ट के साथ साथ में कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो दोनों का कंबाइंड है। तो उसके साथ में क्या लगेगा भाई, बीन लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, इसके बाद में जोड़ सकते हो आप बीन। क्या जोड़ोगे भाई, बीन। क्या जोड़ोगे, बीन। अब इसके बाद में हमने जान लिया था पिछले टेंस में कि विल हैव का प्रयोग कहाँ पे होगा और शैल हैव का कहाँ पे होगा, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे इसके बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं आगे मेन वर्ब की तरफ, मेन वर्ब। अब आपकी मेन वर्ब है, ये हो जाएगी आपकी मुख्य क्रिया। क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो अब इसमें ध्यान देना है आपको, तो क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो हमने लगाया था फ्यूचर परफेक्ट में, तो लगाई थी थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूस के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी और उसके साथ में जोड़ना होगा आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये था इसका बेसिक, क्या था, बेसिक। अब चलिए महाकाल का नाम लेकर हम बढ़ते हैं आगे सिंस फॉर की ओर, कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे होगा और फॉर का प्रयोग किस परिस्थितियों में होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सिंस है, सिंस, अब सिंस का प्रयोग कहाँ पे होगा, अब सिंस का प्रयोग हमने पहले वाले टेंसों में पढ़ लिया था। तो अब इसमें आप थोड़ी बहुत जानकारी देख लीजिए कि किस टाइप से होगा। तो ये हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए, निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या होगा भाई, तो अब ये पढ़ते हैं हम आगे, सिंस का प्रयोग तो होगा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय के लिए, जिसे वह 5 बजे से, मतलब फिक्स है कि 5 बजे से ही है, मॉर्निंग से, सुबह से, ठीक है, 1990 से। तो ये क्या है, फिक्स टाइम है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं फोर की तरह, फोर का प्रयोग किसके लिए होगा, फोर का प्रयोग, तो ये आपके सामने फोर। अब फोर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो समय की अवधि, क्या भैया, समय की अवधि, येलो समय की अवधि। अब ये समय की अवधि है, तो हमने पिछली क्लासों में जान लिया है, पिछली टेंसों में जान लिया है कि किन किन वर्ड्स आए, कौन कौन से वर्ड्स आए, तब आपको सिंस लगाना है और फोर का प्रयोग करना है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे बेसिक स्ट्रक्चर की ओर, कि कौन कौन से सेंटेंस इसमें बनने वाले हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हमें लगाने होंगे। तो सिंस और फोर याद रखना है आपको, कहाँ पे जोड़ना होगा और इसकी पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, और टाइम दिया हुआ होगा। हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको विल हैव और शैल हैव, बाद में जोड़ना होगा बीन, क्या जोड़ोगे, बीन। और मेन वर्ब लगानी है आपको फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में जोड़ना होगा आईएनजी। तो अब चलिए बेसिक स्ट्रक्चर की और,
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपको इससे भी बढ़िया देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होने वाले हैं तो देखिए, पहला ले रहे थे अफर्मेटिव, कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले इसके फॉर्मूले जान लेते हैं सारे के सारे। अफर्मेटिव सेंटेंस है जी, तो ये आपका सकारात्मक कौन हो जाएगा, सकारात्मक वाक्य क्या हो जाएगा भैया, सकारात्मक वाक्य। तो अब इसके लिए देखो क्या करना होगा, तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल हैव और शैल हैव प्लस क्या लगेगा बीन, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जोड़ोगे आईएनजी, फिर इसके बाद में जोड़ सकते हो आप क्या जोड़ोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ोगे आप प्रश्नवाच सॉरी सिंस और फॉर, क्या जोड़ोगे सिंस और फॉर, इसके बाद में जोड़ सकते हो आप टाइम। तो ये है आपका सकारात्मक वाक्य के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनेगा भैया। तो यहाँ पे ध्यान दो ना आप, तो इसको देखना होगा आपको और वाक्य बनाना है। तो अब इसमें ले लेते हैं हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, तो वो होगा वह सुबह से गाना गा रही होगी, वह सुबह से गाना गा रही होगी, वह सुबह से गाना गा रही होगी। अब इसको बनाते हैं, तो वही फॉर्मेट याद रखना है आपको कि सबसे पहले क्या लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव और शैल हैव, तो ये तो क्या हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या जुड़ेगा बीन, क्या जुड़ने वाला है बीन। अब उसके बाद में देखिए आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में जुड़ेगा आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, इसके बाद में फिर लगाओगे आप सिंस फॉर, फिर लगाना है आपको टाइम। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे, तो ये है आपके वह सुबह से गाना गा रही होगी, वह सुबह से गाना गा रही होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहचान ये आ रही है रही होगी और टाइम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है इससे, मतलब कार्य लगातार जारी है, कार्य जारी है और उसमें समय दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट कौन है, लड़की है, तो क्या लिख सकते हो सी, सी के साथ में विल हैव और इसके बाद में क्या जोड़ोगे बीन, अब बीन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी है सिंग, उसके जुड़ेगा आएंगे तो क्या बनेगा सिंगिंग, क्या गया उसने सॉन्ग, तो ए सॉन्ग कब से, अब देखो टाइम आ गया सुबह से, इससे के लिए हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अब जो टाइम है आपका कौन सा है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा दोगे, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगा दोगे, तो यहाँ पे देखो सुबह से मतलब निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाओगे सिंस, तो क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्या बनेगा सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद में आप देखो एक सेंटेंस हो रही है, तो सेंटेंस है आपके सामने, तुम 1990 से उस विद्यालय में हिंदी पढ़ा रहे होंगे। तो ये बेसिक आपका सेंटेंस है और इसको बनाना है, तो इसमें देखना होगा आपको सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है कि वाक्य में पहचान क्या आ रही है, उसमें अगर टाइम दिया हुआ है तो क्या कैसे बनेगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, पहचान आ रही है इसकी रहे होंगे और ये टाइम आ रहा है 1990 से, तो इसको बनाते कौन से टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
तो अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है, तुम के लिए क्या लगेगा, यू। अब यू के बाद देखो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, तो ये आ जाएगा विल और हैव। इसके बाद में क्या जुड़ता है, बीन। बीन के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच। उसके साथ जोड़ोगे आई, क्या बनेगा, येलो टीचिंग। क्या पढ़ाया उसने, हिंदी। कहाँ पढ़ाए भाई, उस विद्यालय में। अब देखो उस और इसका अंतर आपको जानना होगा, उसका मतलब उस दूर की वस्तु की बात कर रहा है, दूसरे जगह की बात कर रहा है, तो उस चीज़ की मतलब उस स्थान की ओर इशारा कर रहा है कि उस विद्यालय में। अगर नज़दीकी बात कर रहा है कि इस विद्यालय में, मतलब खुद ही स्थान पर जिस स्थान पर वो खड़ा हुआ है उसके लिए अगर बात करता है तो वो इस लगाएगा, अगर दूर की वस्तु है तो उसके लिए उस लगाएगा। अब उसके लिए हम डेट का प्रयोग करते हैं, डेट के लिए मतलब दूर के लिए तो डेट का प्रयोग और नज़दीक के लिए दिस का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, इन दैट स्कूल। अब इन दैट स्कूल के बाद में हमारे पास में क्या बचा, टाइम बचा ना। टाइम क्या है, 1990 से मतलब फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा, सिंस। क्या जाएगा, सिंस 1990, ठीक है, 1990। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की और, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस, तो ये लो। अब नेगेटिव सेंटेंस तो आपको अगर आपने अफर्मेटिव अच्छी तरह से समझा है तो इसको आप अच्छी तरह से उड़ा दोगे। तो यहाँ पे देखो नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा, फिर वही सेंटेंस आपको यूज करना है, केवल इसमें नॉट जरूर लगाना है आपको। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे विल हैव और शैल हैव आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट। फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा आपका बीन, फिर आ जाएगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ जोड़ोगे आप आईएनजी, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा आपका सिंस और फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम, ये बनेगा भैया। तो देखो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपने अच्छी तरह से अफर्मेटिव को समझा है तो इन दोनों में कुछ भी चेंजेज नहीं है, केवल एक अंतर है, वो है नॉट का, वही लगाना है आपको। और वो नोट लगाना है, वो देखना होगा आपको कि नोट कहाँ पे लगाना है। तो नोट लगाना है आपको विल हैव और सेल हैव, इन दोनों के बीच में, जैसे विल सेल नोट और हैव, ठीक है, बाद में लगा दोगे बीन। तो हम चलते हैं आगे, तो सेंटेंस ले लेते हैं। कपिल 2 वर्षों से इस बाजार में फल बेच रहा होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, तो कपिल 2 वर्षों से इस बाजार में फल नहीं बेच रहा होगा। अब आपको आपका दिमाग तो फिर गया कि सर इतना बड़ा वाक्य कैसे बनाएंगे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है,
कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी पहचान है, कौन सी हेल्प वर्ब इसमें लगने वाली है। अगर नकारात्मक है तो नोट लगाना है, टाइम आ रहा है वो टाइम कहाँ पे लगेगा और टाइम के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना होगा, तो सभी चीज़ें देखनी होगी आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पहचान आ रही है भैया, रहा होगा, क्या रही है, रहा होगा। तो ये रहा होगा क्या है, पहचान है, और इसी के तौर पर क्या रखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। अब देखो दो वर्षों से टाइम आ रहा है, मतलब कार्य जारी है, और क्या दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो कौन से टेंस का ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब उसके रूल्स आपको लगाने होंगे, अगर आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब भी याद है, मेन वर्ब भी याद है, और सिंस फोर का प्रयोग कहाँ पे होता है वो याद है, तो आप अच्छी तरह से बना सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे। तो कपिल सब्जेक्ट है, तो ये लो कपिल, क्या हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है कपिल आ गया, तो इसके बाद में क्या आएगा, विल और सेल, एक वचन है, तो क्या आएगा, विल, मतलब आई वी को छोड़कर है, कोई सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, विल। आई वी को छोड़कर सभी सब्जेक्टों के साथ में क्या जोड़ दोगे, विल, ठोक दो विल सभी के साथ में। तो यहाँ पे देखो क्या लगाओगे आप, नॉट। अब नॉट के बाद में हैव, हैव के बाद में क्या लगाओगे, देखो यहाँ तक तो वही फॉर्मूला चल रहा है, कुछ भी नहीं जोड़ा है हमने, क्या सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब डाली है, नॉट डाला है, हैव डाला है, बीन डाला है। अब बीन के बाद में स्टार्ट होता है अपना वाक्य। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में क्या जोड़ोगे, आईएनजी। तो अब देखो मेन वर्ब कौन सी है, बेचना, मतलब सेल। अब ये सेल लो, अब उसके क्या जोड़ोगे, आईएनजी। तो ये आईएनजी जोड़ दी भैया, सेलिंग हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये हो गया सेलिंग। अब सेलिंग क्या कर रहा है वो, फ्रूट्स की, ये लो फ्रूट्स। अब कहाँ पे बेच रहा है, इस बाजार में, तो इन दिस मार्केट, तो क्या हो जाएगा, इन दिस, इन दिस मार्केट, इन दिस मार्केट। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो हुआ इस बाजार तक ही पूछे हम, कहाँ तक पूछे, बाजार तक। तो यहाँ पे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ तक पूछे। अब सिंस फॉर और टाइम तो बाकी है, तो इसके लिए क्या लगाओगे, तो आपको देखना होगा यहाँ पे टाइम आ रहा है दो वर्षों से। अब पता नहीं है कौन से दो वर्ष, पता ही नहीं है। अरे भैया 2010 आता तो पिक्स पता चलता है कि 2010 से पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ तो दो वर्षों से पढ़ा रहा है, कौन से दो वर्षों से पता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर आ जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि जरूर बता रहा है कि दो साल से जरूर पढ़ा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर, क्या लग जाएगा, फॉर टू ईयर्स। ये लो आपका वाक्य बना, कौन सा, नेगेटिव। अब हम बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब ध्यान दीजिए, आगे हम पढ़ते हैं नका आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। कौन से सेंटेंस की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। थर्ड नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका तो देखो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, अब इसमें ध्यान देना है, बहुत बड़ा सेंटेंस बनता है इस टेंस में, तो आपको बारीकी को ध्यान रखना है। तो किस टाइप से बनेंगे वाक्य, तो आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसको बाहर निकाल दो, मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह तो आपको सब्जेक्ट लाना है, और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब लाना है। हेल्पिंग वर्ब थी आपकी विल और सेल, क्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट, विल और सेल। इसके बाद में आप लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपने उसमें क्या जोड़ा था, हैव। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, बीन। अब बीन के बाद में आप क्या जोड़ सकते हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम,
फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये है आपका फॉर्मूला। तो आपको देखना होगा किस टाइप से बनेगा वाक्य, किस टाइप से नहीं बनेगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होगा और साथ के साथ देखना है कि किस टाइप से आपका वाक्य बनता जा रहा है और उसी टाइप से आपको ये बनाना है। तो देखिए आपका, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, क्या वे, क्या वे दो बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये फर्स्ट वाक्य। दूसरा ले लेते हैं हम, क्या तुम क्या तुम एक घंटे से मूवी देख रहे होंगे। तो ये सेंटेंस है आपके सामने बिल्कुल सिंपल। तो इसको किस प्रकार से हैंडल करना है आपको, तो वो देखना है। अब आपको बिल्कुल जिस प्रकार से आपका फॉर्मेट दिया हुआ है उसी टाइप से इस वाक्य को उड़ा देना है, आपको बनाना है मतलब। तो यहाँ पे देखो विल और सेल बाहर निकालना है, विल और सेल बाहर निकालना है। यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द दे रखा है तो ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो अब इसको जानते हैं हम, तो क्या बनेगा विल और सेल। तो अब विल और सेल बाहर निकलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, वे के साथ क्या है विल, तो विल को बाहर निकालो। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा दे के बाद में क्या लगाओगे हैव के बाद में क्या दे रखा है बीन। अब बीन के बाद में आपका टॉपिक शुरू हो जाता है। देखो सेंटेंस के लिए मेन वर्ब कौन सी है फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रहे हो क्रिकेट। अब क्रिकेट कब से खेल रहा है भैया, टाइम तो दे रखा है ना 2 बजे से। अब 2 बजे से फिक्स टाइम दे रखा है, 2 बजे से खेल रहा है भैया, वो खेल रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका बजे के लिए किसका प्रयोग करते हैं सिंस का। तो सिंस कब से टाइम दे रखा है 2 o'clock, और पीछे लगा दो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बना आपका फर्स्ट वाक्य। अब सेकेंड वाक्य की तरफ ध्यान दो, क्या तुम 1 घंटे से मूवी देख रहे होंगे। तो वही चीज़ें आपको देखनी होगी। तो यहाँ पे बांट क्या निकालेंगे हम, विल सेल में से विल को, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है यू, तो विल से क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट मतलब यू। इसके बाद में हैव, फिर लगाओगे आप बीन के बाद में जोड़ दो देखना क्या बोलते हैं वाच की जोड़ोगे आप आएंगी, तो क्या बनेगा वाचिंग। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया आपके मेन वर्ब, क्या देखिए उसने मूवी, तो मूवी आ जाएगा कब से 1 घंटे से, पता ही नहीं है कौन सा घंटा, पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो अवधि दे रहा है, समय की अवधि दे रहा है भाई 1 घंटे से देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर 1 आवर एन आवर, ठीक है। पीछे लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बना आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इससे आपको बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट स्टेज है आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की और टेंस की भी, जो टेंस पार्ट है आपका उसका भी लास्ट है, आज लास्ट क्लास है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के भी लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका। तो वो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है आपका आज का और क्लास का और टेंस का भी, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो अब इसके बारे में आपको पहले बता ही दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो उसी के आधार पर आपको इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा,
तो ये आपका आ जाएगा विल और शैल, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद जोड़ोगे आप सब्जेक्ट, फिर जोड़ोगे आप हैव, नॉट है ना, तो नॉट जोड़ना है आपको तीसरे स्थान पर, तो येलो, ये आ जाएगा बाद में, और ये आ जाएगा इसके बाद में। फिर इसके बाद में जोड़ते मेन वर्ब, उसके साथ जोड़ दो आएंगी, फिर जोड़ दो आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जोड़ दो आप सीन्स फॉर, सीन्स फॉर, उसके बाद में जोड़ दो टाइम, और टाइम के बाद में जोड़ दो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये है आपका फॉर्मेट। और हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी क्लास भी समाप्त होने वाली है और आपका जो टेस्ट पार्ट है वो भी समाप्त होने वाला है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम आगे सेंटेंस की ओर, कि सेंटेंस किस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या वे सुबह से क्या वे सुबह से शराब पी रहे होंगे। आपको वाक्य बनाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखना होगा आपको कि वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसके लिए देखो आप आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं सेंटेंस को। तो प्रश्न सूचक शब्द दे रखा है क्या, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे भैया। तो देखो वे आ रहा है तो क्या आएगा, देखिए पहले आ जाएगा विल, क्या आएगा विल, और क्या बनेगा सब्जेक्ट आएगा दे। अब देखे बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट, इंट्रो नेगेटिव है ना, तो नॉट आएगा। उसके बाद में आप जोड़ोगे हैव के बाद में जोड़ दो आप बीन के बाद में मेन वर्ब कौन सी, ड्रिंक, मतलब पीना, पी रहे होंगे, मतलब हो जाएगा आपका ड्रिंकिंग, क्या पी रहे हो, वाइन, तो ये हो जाएगा वाइन। अब इसके बाद में सुबह से, कब से, सुबह से टाइम दे रखा है, फिक्स टाइम दे रखा है, तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ, क्या रहा है पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से, तो क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, और पीछे लगा दो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बना आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको टेंस पूरे, जो आपका टेंस टॉपिक है वो पूरा हो गया है और आज की क्लास भी ये समाप्त होती है। और आपको अगला टॉपिक पढ़ने के लिए पूरे टेंसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे के पूरे टेंस आप याद करके आए और उसके बाद में अगली क्लास के लिए तैयार रहें। थैंक्स।